Hello all, today I am with you with my another topic, which is factors affecting selection of an appropriate channel of marketing. What is channel of marketing and how many channels of marketing are there? ये मैं already आपको अपनी पुरानी videos में बता चुकी हूँ. आप जब मेरे channel पर जाएंगे तो आप वो देख सकते हैं. So now, what are those factors? Number first factor is your type of product. किस type का आपका product है? अगर वो perishable product है, that is that product which cannot be stored. या वो product जिसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, जैसे कि bread और milk, उसके लिए हमें small channels की requirement होती है. क्यों? अगर हम long channel लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है हमारा, वो जैसे कि मैंने बताया, हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो ख़राब हो सकता है. सेकेंडली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हमारा टारगेट मार्केट लिमिटेड होता है, जिसके लिए हम स्मॉल चैनल अपने मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज़ इन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट, हमारा मार्केट कैसा है. नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, दैट इज़ अगर हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर स्मॉल हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव मशीनरीज के लिए, तो उस टाइप के लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या फिर कौन सा चैनल हमें ऑप्ट करना पड़ेगा, जो चैनल स्मॉल है, वन लेवल और टू लेवल. नेक्स्ट इज द बाइंग हैबिट ऑफ द कस्टमर. इफ आर कस्टमर इज़ अ इंडस्ट्रियल कस्टमर, दैट इज जहाँ पर बी टू बी सेलिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, वहाँ पर दे यूज टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. अगर हमारे कस्टमर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो उस केस में हम डायरेक्ट सेलिंग का चैनल ऑप्ट कर सकते हैं. और अगर हमारे कस्टमर जनरल बायर्स हैं, जैसे हम हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट, फॉर सोप्स शैम्पू, उसके लिए कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, रिटेलर्स के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट इज द गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चरर. अगर मैन्युफैक्चरर की गुडविल या इमेज मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उस केस में उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपॉन दी लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. उस केस में ही और शी कैन ऑप्ट फॉर स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज द बजट, कंपनी का बजट क्या है. अगर वो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने खुद के चैनल्स स्टार्ट कर सकती है. देयर इज़ नो नीड फॉर होलसेलर्स, रिटेलर्स और दी एजेंट्स. नेक्स्ट इज़ दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है अबाउट दी सेलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ मार्केटिंग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन फार्मा कंपनीज के जो एजेंट्स होते हैं वो वही बन सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है. सो आर दीज सेलेक्शन पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस. नेक्स्ट इज द कॉस्ट. हाउ कॉस्ट, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो चाहेगा कि उसकी, जब भी वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक लेकर जाए तो उसकी कॉस्ट कम आए, तो वो वाला चैनल यूज़ करेगा जिसमें लेस कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी हाई है तो वो लॉन्ग चैनल ऑफ मार्केटिंग नहीं फॉलो करेगा. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो चैनल्स नहीं भी ऑप्ट करता है तब भी उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा ही. सो डिपेंड अपॉन द कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर ऑल्सो सेलेक्ट दी appropriate channel of marketing. So these are some of the channels of some of the factors which have to be kept in mind while choosing the appropriate channel of marketing. आप बहुत सारे और भी फैक्टर्स देख सकते हैं अलग पेज पे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.